रुमाली रोटी और तड़का दाल खाने में बाबू, चटर रुमाली निकाल लेते बाबू पेटी में से। आइए सर, बोले भेज होगा, नॉन वेज होगा, हाथ रोटी होगा, रुमाली होगा, आलू पराठा होगा, बटर नान होगा, मसाला कुलचा होगा। ये सर बहुत सारा साइड डिश होगा बाबू। एक मसाला पनीर, तीन रोटी और एक चिली चिकन और तीन रोटी। एक मसाला पनीर और एक चिली चिकन। हाँ। अच्छा, 790 और रोटी कितना? अच्छा, कौन सा रोटी? तवा रोटी। तवा रोटी 6×24 इधर हो गया 114 रुपया। सर बोलिए, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, केसर वाला बिरयानी होगा बाबू? आइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक फ्रेश न्यू हिंदी व्लॉग में। और अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं पूरा एकदम जन सैलाब, मतलब इतना लोग देख रहे हैं, सिर्फ खाने के लिए यहाँ पर भीड़ लगा के रखे हुए हैं। कहाँ पर है ये तो आप लोगों को आगे वीडियो में पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो कर दीजिए अभी से लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आज हम लोग जहाँ पर आए हैं वहाँ पर लगभग 15 से 20 आइटम हर दिन चिकन मटन का यहाँ पर बनता है, और भी साथ में यहाँ पर बहुत कुछ स्पेशल आइटम भी बनता है, वो सब तो आप लोगों को दिखाएंगे ही। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए जाते हैं, यहाँ के जो ओनर है उनसे बात करेंगे और देखेंगे कि उनका यहाँ पर क्या क्या बनता है, और खाने का स्वाद लेके तो आप लोगों को जरूर बताएंगे कि आखिर यहाँ का खाने का स्वाद कैसा है। तो चलिए अंदर जाते हैं, आइए। सर क्या बोले आपका? नान और चना। ओके सर, एक मिनट रुक जाइए ना, दे दे रहे हैं, लेके चल जाइएगा। हाँ भैया, ये नमस्ते। नमस्ते भैया, बोलिए। नाम मोहम्मद शमीम। और आपका इस दुकान का नाम? शमीम रेस्टोरेंट। अच्छा, तो आपके यहाँ पर क्या क्या मिल जाता है? बहुत सारा आइटम मिलता है सर, वेज नॉन वेज सभी कुछ है, एकदम आपका चॉइस, आप लोग के लिए आशीर्वाद है एकदम बढ़िया तरीके से। वेज नॉन वेज मिला के कितना आइटम बन जाता है? तो कभी गिनती नहीं की है, लेकिन फिर भी लगभग 15-16 आइटम हो जाता है। हाँ सर। जी दुकान का टाइमिंग है सुबह 9 से लेकर रात 12 बजे तक। चालू लगभग होगी आपका 6 महीना से ऊपर होगी। हाँ, ये देखिए आपका, ये वेजिटेबल आइटम है बाबू। अच्छा, ये आपका मिक्स वेजिटेबल है, ठीक है, मिक्स वेज। ये हाफ प्लेट 25 का है, फुल 50 रुपीज है सर। अच्छा, ये देखिए दाल मखानी आपका, ये हाफ 25 का आएगा, फुल 50 का आएगा। अच्छा, ये देखिए, ये चना मसाला आपका, ये हाफ 25 फुल 50 रुपीज सेम प्राइस। अच्छा, ये पनीर मसाला है, ये हाफ 30 का आएगा, फुल 60 रुपीज का आएगा। अच्छा, ये देखिए, ये मटर पनीर है, मटर पनीर हाफ 60, हाफ 30 रुपीज है, फुल 60 रुपीज है। और ये इधर में आपका कश्मीरी आलू दम, ये भी हाफ 25 फुल 50 रुपीज। अच्छा, नॉन वेज में बोले क्या? नॉन वेज में ये देखिए चिकन फ्राई कबाब। अच्छा, ये बोला, ये देखिए चिकन भरता बोनलेस, चिकन भरता बोनलेस, ये हाफ 50 का, 60 सॉरी, ये हाफ 60 का, फुल 120 का है। अच्छा, ये देखिए, ये चिकन कसा है, ये हाफ 60 फुल 120। ये चिल्ली चिकन है, हाफ प्लेट में 3 पीस आएगा आपका, ये हाफ 50 रुपीज है, फुल 100 है। अच्छा, ये देखिए, ये आपका बटर चिकन हाफ 60 फुल 120। ये चिकन फ्राई कबाब है, ये हाफ 70 का है, फुल 140 का है एकदम। अच्छा, और इधर आपका सब्जी उब्जी है, ये भात दाल सब्जी का है। फोटो आ रहा था, क्रीम लगा दीजिए चेहरा में। ऐसी स्मार्ट है वो। वो क्या फुल लगाए क्या कबाब? आप ही लगाइए। काटो ना भाई,
टाइम नहीं भाई। आराज भाई 90 बजे जी। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने ले लिया है, यहाँ पर सबसे पहले दिखाते हैं, ये है मटर पनीर। ये देखिए पनीर का साइज कुछ इस तरह है, बड़ा बड़ा अच्छा खासा पनीर का साइज है। साथ में यहाँ पर लिया है हम लोगों ने चिकन कबाब मसाला, और ये लिया है हम लोगों ने चिकन कसा। तो देख पा रहे हैं कलर कुछ इस तरह है, और साथ में हम लोगों ने लिया है यहाँ का फेमस आलू का पराठा जो कि 10 रुपया पीस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं इस पनीर के साथ ये कैसा लगता है। तो चलिए ये लेते हैं पराठा, और भी जितना ढाबा सबने खाया है हल्का बटर पनीर में थोड़ा सा मिठास रहता है, यहाँ का बटर पनीर में किसी तरह कोई मिठास नहीं है, बट स्वाद मसाला वगैरह का ऑल ओवर बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा पनीर टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगता है। तो बिल्कुल फ्रेश पनीर है, और इसमें एकदम कस्तूरी जो मेथी है वो इसमें यूज किया गया है, जिसके कारण और भी जबरदस्त लग रहा है। थोड़ा सा मटर और पनीर के साथ फिर से लेके देखते हैं कैसा लगता है। ये लिए जबरदस्त। तो चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं यहाँ का ये जो कबाब वाला जो चिकन है, तो उसमें थोड़ा सा दिखाते क्या क्या है। यहाँ पर ये देखिए कैप्सिकम है, और ये जो चिकन का साइज है अच्छा खासा है, कलर लाजवाब, एकदम लाल लाल कलर है। और चिकन सबसे पहले देखते हैं थोड़ा सा कितना अच्छा कुक्ड है। तो देखिए एकदम फ्रेश चिकन है और बहुत ही वेल कुक्ड है, इस तरह से हल्का सा छुड़ा है तो छूट गया पूरा चिकन। तो टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगता है। क्योंकि ये कबाब वाला चिकन है तो उसमें एक स्मोकी सा फ्लेवर है, जिसके कारण बहुत जबरदस्त लग रहा है। तो थोड़ा सा इस पराठा के साथ, तो ये लेते हैं चिकन। और जबरदस्त, स्पेशली जो आलू का पराठा है, आलू का स्टफिंग जो है, और जो चिकन का जो एक तीखापन है, साथ में जो मसाला वगैरह है और स्मोकी फ्लेवर, सब कुछ मिलकर जबरदस्त लग रहा है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ का जो नेक्स्ट आइटम, ये जो चिकन कसा है वो कैसा है। तो थोड़ा सा फिर से लेते हैं ये आलू का पराठा, और ये देखिए चिकन। तो ये देखिए ये भी बहुत ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड है, वेल कुक्ड है, बहुत आसानी से छूट जा रहा है। तो थोड़ा सा ग्रेवी के साथ तो अभी तक 3 आइटम खाए, और तीनों आइटम में से किसी में भी तीखापन बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट कबाब में थोड़ा सा हल्का सा तीखापन ज्यादा है इन दोनों आइटम से, बट ये जो चिकन का करी है या फिर इसे कसा कहे कुछ भी कहे, इसमें हल्का भी तीखापन नहीं है, थोड़ा सा भी तीखापन नहीं है। तो ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा, बट स्पेशली ये कबाब मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक बार और टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगता है। और ये ग्रेवी के साथ ठीक है, मैं इसे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहूंगा, बट स्पेशली मैं फिर से कह रहा हूँ ये कबाब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, कबाब वाला जो चिकन है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इसको थोड़ा सा ऐसे ही लेके देखते हैं कैसा लगता है। अंदर से देखिए एकदम फ्रेश चिकन है, बट एकदम इसमें तीखापन नहीं है, मसाला ज्यादा यूज नहीं किया गया है, जिसके कारण टेस्ट बहुत ज्यादा खिंचे नहीं आ रहा है। तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा, शायद आप लोगों ने खाया हो, कभी आप लोगों को अच्छा लगा हो, या अगर कभी आइएगा तो जरूर खा के देखिएगा ये कैसा लगता है, जरूर बताइएगा। तो चलिए इस टोटल खाने को मैं खा कर करता हूँ कम्प्लीट, उसके बाद बाकी बात खाने के बाद करता हूँ। तो फ्रेंड्स समीम रेस्टोरेंट या समीम ढाबा जो कहे, उससे हम लोगों ने जो 3 आइटम खाया और साथ में जो आलू का पराठा खाया, स्पेशली मुझे वहाँ का जो कबाब था वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बट जो अगर पनीर मटर पनीर कहें या फिर जो चिकन का जो कसा था वो मुझे खास कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा। हाँ मटर पनीर उससे बेटर था, पनीर का साइजेस भी अच्छा खासा था, बट टेस्ट वाइज अगर बात करें तो इतना सारा जो आज तक मैंने ढाबा किया है उनके जैसा नहीं था। बाकी सब ढाबा में थोड़ा सा मिठास वगैरह रहता है, मगर इसमें कोई किसी तरह का मिठास नहीं था। तो चलिए ओवरऑल एक्सपीरियंस जो था वो मिलजुल कर सब कुछ बहुत अच्छा था।
कभी अगर आप लोग इस एरिया में आए तो जरूर यहाँ का ये जो शमीम रेस्टोरेंट है या शमीम ढाबा है वहाँ का ये सब जो फूड आइटम्स है उसे जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा रहा तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करके ऑल कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ नया धमाल लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।